आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, जनता की हर आवाज, प्राइम टाइम न्यूज, सच्चा जनता की हर आवाज आप तक पहुंचाएगी हर खबर। IBN 24 न्यूज झारखंड। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, रजौरी जिले में सेना की एम्बुलेंस खाई में पलटी, हादसे में कई जवान शहीद और यूक्रेन वॉर में फुस साबित हो रहे मेड इन पाकिस्तान रॉकेट, भड़की जेलेंस्की की सेना क्योंकि पाक ने दिया नकली माल। वहीं ऑपरेशन कावेरी में एयरफोर्स का कमाल, अंधेरे में उतरा C-130J एयरक्राफ्ट। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद होने वाले जवानों में से एक जवान बिहार का रहने वाला था जबकि दूसरा जवान स्थानीय निवासी था। वैसे शुरुआती जानकारी में बताया गया कि हादसे में शहीद होने वालों में एक जवान रजौरी जिले का रहने वाला था जबकि दूसरा जवान बिहार का निवासी था, लेकिन सड़क हादसे में सेना के 2 जवानों के शहीद होने के अलावा और 3 दूसरे लोग भी घायल हुए हैं। वैसे यह हादसा लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के पास कैरी सेक्टर में हुआ है और बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस सड़क से फिसल गई और 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसा दुंगा नन्नल्लाह में हुआ है। दोस्तों, ये हादसा उस समय हुआ जब वे एम्बुलेंस में जा रहे थे और गाड़ी अनकंट्रोल होकर गहरी खाई में गिर गई। लेकिन देखते हैं इसके पीछे का सच कहीं कुछ और तो नहीं है। वहीं सूडान में सिविल वॉर के बाद भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी चला रही है जिसके तहत अफ्रीकी देश में फंसे हिंदुस्तानियों को सुरक्षित लाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना अब तक 1360 लोगों को वापस भी ला चुकी है। दोस्तों, दरअसल सूडान की राजधानी खार्तूम से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में सैदना नाम की जगह है। वहाँ पर एक छोटी सी एयर स्ट्रिप है। यहाँ पर ना तो नेविगेशन का इंतजाम था, ना रोशनी की कोई व्यवस्था थी। इसके बावजूद सेना ने बहादुरी दिखाते हुए 121 भारतीयों को सुरक्षित निकाला और इसके लिए सेना की टेक्नोलॉजी काम आई है जिसमें उन्होंने नाइट विजन वाले ग्लासेस का इस्तेमाल किया। वहीं एयरफोर्स ने बताया जिस एयर स्ट्रिप पर उतरना था उसकी सतह एकदम खराब थी बिना नेविगेशन के, और सबसे बड़ी बात कि वहां पर लैंडिंग लाइट्स तक नहीं थी। और आपको बता दें, लाइट्स किसी भी एयरक्राफ्ट के उतरने के लिए सबसे जरूरी होती है, लेकिन बिना इस लाइट के भी प्लेन उतार कर एयरफोर्स ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी है। वैसे एयर स्ट्रिप की ओर बढ़ते हुए एयर क्रू ने अपने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल किया और सुनिश्चित किया कि रनवे पर कोई बाधा या परेशानी तो नहीं है। इसके बाद एयर क्रू ने रात में नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल करके अपने एयरक्राफ्ट को उतार दिया और उसके बाद वापस लेके भी आ गए, और इस ऑपरेशन को देखकर दुनिया के कई देश हैरान हैं। वहीं कंगाल पाकिस्तान ने रूसी हमले से बेहाल यूक्रेन को बड़ा चूना लगाया है। पाकिस्तान ने यूक्रेन को जो हथियार और रॉकेट भेजे हैं वे जंग में फुस साबित हो रहे हैं। पाकिस्तानी रॉकेट की घटिया क्वालिटी से यूक्रेन की सेना परेशान है। एक तरफ रूस जहां भीषण हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन को हथियार नहीं मिल पा रहे, और आलम यह है कि अब यूक्रेन की सेना को बखमुत में हार का डर सताने लगा है। और ये वही जगह है जहां रूस और यूक्रेन की सेना में कई महीने से भीषण जंग चल रही है। रूसी हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना BM-21 ग्रेड रॉकेट फायर कर रही है, और BBC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेनी सेना के एक ऑफिसर ने बातचीत में बताया कि हमारे पास हथियारों के लिए पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद नहीं है। रूसी सेना बखमुत को कब्जा करने के लिए लगातार तेजी से अब आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे में यूक्रेन की सेना पर जवाबी कार्रवाई का दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है। यूक्रेनी सेना चाहकर भी इस पूरे ऑपरेशन में मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पा रही। यूक्रेनी सेना ने बताया कि उनके पास ग्रेड रॉकेट का जो स्टॉक था वो अब खत्म हो गया है। यूक्रेन अब दुनिया के दूसरे देशों से आए रॉकेट पर निर्भर हो गया है। साथ ही यूक्रेन को चेक रिपब्लिक, रोमेनिया और पाकिस्तान से गोला बारूद की आपूर्ति हो रही है। यूक्रेनी सेना के एक ऑफिसर व्लोदोमिर ने बताया कि पाकिस्तान में बनकर आए रॉकेट की क्वालिटी बहुत खराब है। वैसे इससे पहले कंगाल पाकिस्तान ने डॉलर और MI-17 हेलीकॉप्टर के इंजन की लालच में यूक्रेन को करोड़ों डॉलर का हथियार और गोला बारूद भेजा है। यानी दोस्तों, पाकिस्तान की ओर से भेजा गया यही हथियार अब यूक्रेन के लिए संकट बन गया है। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान के हथियारों की हालत बहुत खराब है और वो भारत से वॉर नहीं लड़ सकता। साथ ही पाकिस्तान ने जिस ग्रेड रॉकेट की आपूर्ति की है उसे पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाया है। ये रॉकेट घटिया साबित हो रहे हैं। इन रॉकेट की मारक क्षमता 20 किलोमीटर तक बताई जाती है, लेकिन ये वॉर में फुस साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान ने 10,000 ग्रेड रॉकेट और 44 T-80 टैंक यूक्रेन को भेजने का पश्चिमी देशों के साथ समझौता किया है और इसके बदले में उसे काफी पैसा मिला है, लेकिन ये हथियार भी पाकिस्तान की बातों की तरह खोखले हैं।
वहीं एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने भारतीय वायुसेना की तारीफ की। उन्होंने सूडान में वादी सीदना रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर बताया कि हमारी वायुसेना ने सबसे कठिन परिस्थितियों में अपनी मेन क्षमता का प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने इस मिशन को अंजाम देने वाले एयरक्रू को बधाई दी और बताया कि मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना ने सबसे कठिन परिस्थितियों में हमारे ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होने की अपनी मेन क्षमता का प्रदर्शन किया है और मैं राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब भी समय आएगा हम हमेशा अपनी शक्तियों का इसी तरह प्रदर्शन करके दिखाएंगे। वैसे सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा ऑपरेशन कावेरी सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है और लगातार भारतीय लोगों को सूडान से सुरक्षित लाया जा रहा है। वहीं भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट यानी तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। महिला ऑफिसर्स शनिवार को चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA में अपना ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में शामिल हो गई हैं। दोस्तों OTA चेन्नई में हुई पासिंग आउट परेड में 186 कैंडिडेट शामिल थे। इनमें 29 कैंडिडेट भूटान के नागरिक हैं। पासिंग आउट परेड का रिव्यू बांग्लादेश के आर्मी चीफ COAS जनरल SM सफीउद्दीन अहमद ने किया है। सोर्सेस के मुताबिक रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में शामिल होने वाली महिला अधिकारियों में लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव और लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगिल शामिल हैं। 5 महिला ऑफिसर्स में से 3 को चीन की सीमा पर तैनात यूनिट्स में तैनात किया गया है और दूसरे 2 को पाकिस्तान से लगती सीमा के पास चुनौतीपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है। दोस्तों आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला ऑफिसर्स की कमीशनिंग भारतीय सेना में चल रहे बदलाव के दौर का बड़ा प्रमाण है। जनवरी 2023 में ही थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आर्टिलरी यूनिट्स में महिला ऑफिसर्स को नियुक्त करने के निर्णय की घोषणा की थी। बाद में इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी थी। इसके बाद भारतीय सेना ने पहली बार अपनी तोपखाना यानी आर्टिलरी रेजिमेंट में 5 महिला ऑफिसर्स को शामिल किया है। वहीं गलवान में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच साल 2020 में हुई हिंसक झड़प में बिहार रेजिमेंट के नायक दीपक सिंह बलिदान हो गए थे। अब खबर आई है कि नायक दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह सेना में शामिल हो गई हैं। वो भी बतौर लेफ्टिनेंट सेना में कमीशन हुई हैं। साथ ही खास बात ये है कि रेखा सिंह को पहली तैनाती पूर्वी लद्दाख में LAC पर दी गई है। दोस्तों रेखा सिंह ने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से 1 साल की ट्रेनिंग पूरी की है। इसके बाद उन्हें बतौर लेफ्टिनेंट सेना में शामिल किया गया है। बता दें कि लेफ्टिनेंट रेखा सिंह के पति नायक दीपक सिंह बिहार रेजिमेंट की 16th बटालियन में तैनात थे और साल 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में बलिदान हो गए थे और नायक दीपक सिंह को मरणोपरांत 2021 में वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वैसे शादी के 8 महीने बाद ही शहीद हो गए थे दीपक सिंह। दोस्तों जनवरी 2020 में उनकी पोस्टिंग लद्दाख में हुई थी लेकिन करीब 5 महीने बाद ही चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ में नायक दीपक सिंह शहीद हो गए थे। शहीद होने से 8 महीने पहले ही उनकी शादी रेखा सिंह से हुई थी। अब रेखा सिंह ने आप देख रहे थे ब्रेकिंग न्यूज प्राइम टाइम सच और जनता की हर आवाज। आप देखते रहिए IBN 24 न्यूज झारखंड। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट शेयर कीजिए।